नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। आज भी यूपी में अदालतों का कामकाज बंद रहा। हापुड़ में पुलिस प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच चल रहे मामले को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने की हड़ताल की घोषणा, और ये हड़ताल शांतिपूर्ण होगा। बार काउंसिल ने हड़ताल को लेकर मांगे रखते हुए कहा कि डीएम और कप्तान हापुड़ का तबादला किया जाए और लाठी चार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए और पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं पर दर्ज किए गए मुकदमों को स्पंज किया जाए, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर प्रदेश में लागू किया जाए और हापुड़ में लाठी चार्ज के घायल अधिवक्ताओं को मुआवजे की मांग रखी गई। और बार काउंसिल ऑफ यूपी ने सीएम से मुलाकात का मांगा गया था समय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय न देने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अधिवक्ताओं ने उग्र होकर फूंका पुतला और अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही गई। फतेहपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भी पुतला फूंका और फतेहपुर जनपद के खागा बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी नंद कुमार के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। आए सुने क्या कहा फतेहपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वर्मा और खागा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जयनारायण सिंह और अन्य अधिवक्ता साथी। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट, उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। किसका किसका पुतला फूंका गया आज? केवल उत्तर प्रदेश सरकार का। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि अधिवक्ताओं को ऊपर लगे हुए वापस किए जाए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन है उसको उन्हें एक साथ लागू किया जाए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए और जो मारपीट हुई है अधिवक्ताओं के साथ उस पर प्रशासन उचित कानूनी कार्रवाई करे पुलिस वालों के ऊपर, और जो जो भी वहाँ के एसपी और कलेक्टर हैं उनको या तो निलंबित किया जाए या तो वहाँ से तबादला किया जाए, और जो भी अधिवक्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाए गए प्रशासन के द्वारा। अभी खागा तहसील में अधिवक्ता कब तक हड़ताल पे रहेंगे? बार काउंसिल के निर्देश पे जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल पर रहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता। ये प्रकरण को कितने दिन हो गए? इस प्रकरण को करीब हो गया 28 तारीख से चालू, आज 14 तारीख है, 16 दिन करीब। अधिवक्ता इसमें क्या चाहते हैं? अधिवक्ता चाहते हैं कि हमारे में जो घटना घटित हुई है उसमें या तो पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए, या वहाँ के उनको तत्काल प्रभाव से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए जिससे अधिवक्ताओं को सूचित, बहुत सी हमारी माँ बहनों को वहाँ लाठियों से मारा गया, ऐसा पुलिस को कतई नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। अगर होता भी तो महिला पुलिस बुलाने के बाद उनको पास कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा कार्रवाई अधिवक्ताओं के लिए अच्छी है, क्योंकि अधिवक्ता हमारे देश का एक सामाजिक वर्कर है और यही देश चलाता है, और ऐसे व्यक्ति क्यों लाठीचार्ज किया जाएगा तो पब्लिक क्या सुरक्षित रहेगी। इसलिए इन घटना को लेकर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने आह्वान किया है कि स्ट्राइक हमारी नियंत्रण। ये लाठी चार्ज करने का रीजन क्या था? लाठी केवल उन्होंने अपनी एक मांग रखी जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग मांग रहे थे, उस पर पुलिस प्रशासन केवल गुंडागर्दी करते हुए लाठी चार्ज कर दिया उनके ऊपर, और कोई कोई वहां पे अभद्रता नहीं की गई थी। लेकिन उन्होंने महिलाएं हो या वृद्ध अधिवक्ता, ये जैसा कि जानकारी है और वीडियो वायरल में देखा जा रहा है कि ये जहां धरना प्रदर्शन था वहां की घटना नहीं, नहीं ये कचहरी में आ रही है। तो अधिवक्ता अधिवक्ता वहां बाहर कैसे पहुंचे? बाहर वापस आ रहे धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद अधिवक्ता पुलिस वहां दिखाया जा रहा है कुछ वीडियो में कि पुलिस प्रशासन का जो है अधिवक्ता जो है वो उनका नेम प्लेट ये घटना के बाद पुलिस आपके चैनल के माध्यम से जी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो सच्ची बातें हैं वही दिखाई जाए जी। चैनल वाले भी कुछ उसी 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 का स्पष्टीकरण के लिए आपसे ये पूछा गया। हम न्याय देने वाले अधिवक्ता वो लोग, अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो न्याय कौन दिलाएगा हम लोग? यह आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा जी? इसकी